आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जितने भी मशीन यूज होते हैं उसको एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि किसको किससे कनेक्ट करना है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि प्रत्येक मशीन में कौन कौन से बटन है जिसका हमें यूज करना है और किस बटन का यूज हमें नहीं करना है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो उसमें लाइट्स जलती हैं उनका इंडिकेशन क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि मॉक पोल की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश ऐसी होगी कि इतनी सरल भाषा में आपको समझाएं चीज़ों को ताकि आपको कहीं दूसरे जगह पूछने या जाने की ज़रूरत नहीं हो। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ हम अपने बात की शुरुआत कर रहे हैं ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। जी हाँ दोस्तों, इसमें तीन प्रकार के मशीन यूज में लाई जाती है। पहला है वैलेट यूनिट, दूसरा है वीवीपैट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। इन तीन मशीन की सहायता से आपको अपने चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करना है और इस मशीन की प्रक्रिया को आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो समझिए आपका चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों एक एक मशीन के बारे में, एक एक बटन के बारे में हम इसमें जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन मशीन को कनेक्ट कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा, और एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों बेहद सरल ट्रिक है और ये ध्यान में रखेंगे तो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे कि इनका कनेक्शन किस से करना है, कैसे करना है। आइए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, राइट साइड में वैलेट यूनिट है, बीच में वीवीपैड है और लेफ्ट में कंट्रोल यूनिट है। यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है तो वैलेट यूनिट पे क्लिक करेगा, इस किसी बटन को क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद जो वोट होगा उसका कास्ट होगा, जो वोट जिसको देगा उसकी पर्ची यहाँ कट के इस वीवीपैड में इकट्ठी होगी। अर्थात एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे मतदाता जिसको वोट डालेगा उसका प्रिंटआउट यहाँ निकलेगा और इस बॉक्स में जमा होगा। और इस वीवीपैड का जो कनेक्शन है उसको करेंगे सीयू यानी कंट्रोल यूनिट से, जो कि ये मस्तिष्क होता है, यानी जितने भी वोट यहाँ कास्ट किए जाएंगे, डाले जाएंगे, उन सभी का रिकॉर्ड ये कंट्रोल यूनिट में होता है। तो ऐसे में इस तरह से जो वैलिड यूनिट होगा इसको कनेक्ट करेंगे हम वीवीपैड से और वीवीपैड का कनेक्शन जो होगा वो कनेक्ट करेंगे हम कंट्रोल यूनिट से। ये तो चीज हो गई साधारण बात जो समझने की है। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। दोस्तों ऊपर तरफ आप देख सकते हैं वी फॉर वैलेट, वी फॉर वीवीपैड और सी फॉर कंट्रोल यूनिट। तो अब इसकी जगह पे आप अपने दिमाग में ये बना लें कि वी फॉर बॉय, वी फॉर वैन और सी फॉर कॉलेज। यानी हम एक तरह से ये कह लें कि बॉय वैन से कॉलेज जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बॉय वैन से कॉलेज जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, वैलिड यूनिट को वीवीपैड से और वीवीपैड को कंट्रोल यूनिट से। तो सीधे तौर पे अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि बॉय वैन से कॉलेज जाता है, यानी कि बी को वी से और वी को सी से आपको कनेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आइए अब इसे लाइव करके देख लेते हैं। ये रेड देख रहे हैं, रेड कलर एक तरफ और ब्लैक कलर एक तरफ। रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से मिलाना है और अपने बीयू अर्थात वैलिड यूनिट को हम कनेक्ट कर रहे हैं वीवीपैड से कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से और इस प्रकार सामने ले जाके और ठीक ढंग से इसे प्रेस कर देना है। कट की आवाज़ आएगी तो समझिए ये आपकी कनेक्शन जो है पूर्ण हो चुकी है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट से। अब हमको वीवीपैड को जोड़ना है तो कुछ इस प्रकार से इसे ओपन करेंगे और इसके शीर्ष भाग में आप देख सकते हैं जहां ऑन ऑफ की स्विच है उसी के पास रेड को रेड और ब्लैक के ब्लैक की तरफ से करके और ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये इस प्रकार से सुचारू रूप से कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप इस कनेक्शन को कर लेंगे। आइए एक बार और इसे दूसरे रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक की तरफ करके और सीधे इसके शीर्ष पे सामने ले जाके और इसे पुश कर देना है। जैसे ही पुश करेंगे तो कट की आवाज आएगी और इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं वीवीपैड की। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे वीवीपैड और आपको बता दें कि ये वीवीपैड वही रहेगा जहां अभी इसके पूर्व आपने देखा है वैलिड यूनिट को। जी हाँ दोस्तों, वैलिड यूनिट के ठीक बगल में इसको रखेंगे ताकि जो भी मतदाता अपना वोट कास्ट करता है तो इस स्क्रीन पे जिसको वो वोट देगा वो पर्ची यहाँ प्रिंट होकर स्क्रीन पे 7 सेकंड तक दिखेगी और इसमें एलईडी लाइट होती है, यहाँ आसानी से वो पर्ची को देख सकता है। आपको ध्यान देना है इस पे कोई लाइट न पड़े, एलईडी लाइट अंदर की तरफ जलती है, प्रिंट इस पे जो होगा वो मतदाता अपने आप यहाँ देख सकता है कि जिसको हमने वोट दिया है उसी की पर्ची इसमें प्रिंट हो रही है और प्रिंट होकर ये 7 सेकंड तक यहाँ स्क्रीन पे रुकती है और फिर नीचे गिर जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती हुई दिख रही है आपको, जब कनेक्शन ऑन होगा तो उस समय इसमें लाइट जो है ग्रीन कलर की जलती हुई दिखेगी। इस समय इसमें लाइट आ रही है, इसका ये संकेत दे रही है।
इसके अलावा दोस्तों इसके साइड में चलेंगे तो यहाँ पे इसके बॉक्स को खोलने का ऑप्शन है। चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स को खोलने की एक जगह दी गई है, यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं और जो भी पर्ची इसमें कट के गिरती है वो इसमें स्टोर होती है और यहाँ से आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये किस सूरत में होगा, जब आप मॉक पोल कराते हैं तो मॉक पोल में कम से कम 50 वोट आपको कास्ट कराने होते हैं और हर प्रत्याशियों को वोट देना होता है, 50 वोट से कम आपको नहीं कराना है। और मॉक पोल कराने के बाद जब सारी पर्चियाँ इसमें से निकालना होगा तो इस तरह से आप ओपन करके सारी पर्चियों को बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद इसे फिर बंद करेंगे और बंद करके यहां पे दोनों ये छिद्र जो दिख रहा है यहां पे इसको बंद करने के बाद दोनों को सील कर देंगे और तब उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इसके बाद इसे नहीं खोलना है, ये सील होने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवीपैट का काम करेंगे। इसके पीछे की तरफ एक महत्वपूर्ण बटन है, उसको देखना जरूरी है और उसको समझना भी जरूरी है। इसको भी एक ट्रिक से बताएंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं अपने वीवीपैट का पिछला हिस्सा जहां पे ब्लैक कलर का एक बटन आपको दिखाई दे रहा है। इसके लेफ्ट में ट्रांसपोर्टेशन नाम का एक स्टिकर दिख रहा है और यहां वर्किंग नाम का एक स्टिकर यहां लगा हुआ दिखा है। यहां पे इसका सीधा का मतलब यह है कि जब आपको वर्किंग यानी काम इससे लेना है तो जो ये स्विच दिखाई दे रही है वो लंबवत अवस्था में कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और अगर आपको काम नहीं लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको रख रहे हैं, काम नहीं लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको लेटी हुई अवस्था में इस तरह से जो कि सिग्नल यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्टिकर के माध्यम से, ऐसी अवस्था में आपको रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो और महत्वपूर्ण चीज है, जूम करते हैं थोड़ा इसको, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको लिखा होगा लॉक और दूसरा यहां लिखा होगा अनलॉक, यानी अनलॉक पोजीशन में आपको बिल्कुल लंबवत रखना है और जब लॉक कर देना है, जब आपका यूज नहीं करना है इस मशीन का तो उस समय आपको लॉक कर देना है, यानी इस अवस्था में जैसा कि है लेटी हुई अवस्था में आपको कर देना है। ट्रेनिंग में आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, लंबवत बताया जाता होगा, लेकिन यहां पे एक हम ट्रिक भी आपको बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप रात के समय आराम करते हैं, आपको कोई काम नहीं करना होता है तो आप लेट जाते हैं, तो देखिए लेटी हुई अवस्था में स्विच है, तो इसी को दिमाग में रखिए कि जब लेटी हुई अवस्था में स्विच रहेगी तो कोई काम नहीं होगा। और अगर आपको वर्किंग में लेना है, इसको काम में लेना है, तो आदमी जब सो के उठता है तो वर्क करता है, खड़ा होता है, तो खड़े होने के लिए लंबवत यानी कि इस स्थिति में जब ये खड़ा हो जाएगा तो ये वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो इस ट्रिक को अपने दिमाग में रखिए तो शायद ये कभी नहीं भूलेगा। अब दोस्तों आपके जेहन में ये सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि इस स्विच को जो घुमाना है वो क्लॉकवाइज घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोस्तों हम यहाँ स्पष्ट कर दें आपको कि चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों तरफ से ये काम करता है। जब आपको काम लेना हो तो इसे लंबवत रखें, अन्यथा इसे लेटी हुई अवस्था में रखें जिस समय आपका ये पोजीशन जो है लॉक मोड में होगा। तो दोस्तों वीवीपैट से ये रही संबंधित जानकारी। आइए अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू के बारे में। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट को देख पा रहे हैं और चलिए एक एक पार्ट का हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शीर्ष की तरफ जहाँ पे आपको ऑन ऑफ और प्लग करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। आइए पहले इसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का शीर्ष देख रहे हैं, यहाँ पे जो वीवीपैड है उसका प्लग यहाँ पे प्लगिंग किया जाता है और रेड को रेड की तरफ और ब्लैक को ब्लैक की तरफ करके यहाँ प्लग कर दिया जाता है, जिससे वीवीपैड सीयू यानी कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऑफ रहेगा और ऊपर की तरफ करते हैं तो ये ऑन पोजिशन में हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो जगह आपको शीर्ष पे इसके मिलेंगे। अब दोस्तों आइए सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट के शेष भागों का अध्ययन करते हैं। इसे हम थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने के बाद शीर्ष पे आपको सावधानी ये रखनी है कि जब आप सीयू प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर सीयू का लिखा होता है, कंट्रोल यूनिट का आपका सीरियल नंबर यहाँ लिखा होता है। जब आप यहाँ से मशीन ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इस डिस्प्ले सेक्शन में इस सीरियल नंबर को भी यहाँ डिस्प्ले करता है। यहाँ डेट, टाइम और इसके अलावा बैटरी की स्थिति कितनी है, कैंडिडेट कितने हैं, सारी चीज़ों को डिस्प्ले करेगा बारी बारी से। इसी क्रम में आपका मशीन जो सीरियल नंबर है वो भी इसमें डिस्प्ले करेगा। तो एहतियात के तौर पर आप निश्चित रूप से इस सीरियल नंबर को मिलान कर लेंगे डिस्प्ले से कि यही सीरियल नंबर सेम है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जो दिख रही है, जब मशीन आप ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट आपकी जलने लगेगी। इसके अलावा यहाँ बिजी लैंप दिख रहा है रेड कलर में, तो नीचे की तरफ आप आएंगे वोट डालने के लिए जब यहाँ से वैलेट का यूज करते हैं, वैलेट पे मतदाता को अनुमति देते हैं आप इसी कंट्रोल से, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, जब तक यहाँ से क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से कमांड नहीं देंगे इस बटन को क्लिक करके, तब तक कोई भी मतदाता आपके वैलेट यूनिट में वोट नहीं कर पाएगा। तो वैलेट यूनिट जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये ऊपर की जो रेड लाइट है, जो बीजी लैंप है, ये जल उठेगी। और इस तरह से ये ऑन का है और ये बीजी का है, जब आप कमांड देंगे तो ये रेड जलेगी और फिर मतदाता मतदान कर लेगा तो फिर ये बीजी लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा।
अब इस तरह से दोस्तों इसके नीचे आएंगे तो ये डिस्प्ले सेक्शन है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी जब आप मशीन ऑन करेंगे, या फिर टोटल आपको देखना हो, जो भी चीज़ें इस मशीन में देखना हो आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा जो बीच वाला पोर्शन है दोस्तों, इसको आपको नहीं छेड़ना है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये पहले से ही आपको सील्ड मिलेगा, इस पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके नीचे आएंगे तो ये पोर्शन है जो आपकी क्रियाविधि में है, आपको इसमें काम करना है। जैसे ही इस कवर को हटाएंगे तो यहाँ पे दो लॉक मिलेंगे, यहाँ पे आपको दो सील भी करना है, अभी हम नेक्स्ट अभी टाइम में बताते हैं। यहाँ पे जो ये प्लास्टिक की बटन है इसको आप हटाएंगे तो इसके नीचे क्लोज बटन मिलेगा आपको। तो ये स्थिति तब होगी जब मतदान आप करा रहे होते हैं, तो इस समय आपको ये पूरी चीज़ें सील कर देनी होगी। सिर्फ आपके पास विकल्प बटन के रूप में रहेगा टोटल बटन, वैलेट बटन और इसके अलावा एक मतदान क्लोज करने का बटन, बाकी सारी चीज़ें सील होंगी। इसके बाद कोई किसी भी बटन का यूज आपको करना ही नहीं है मतदान प्रक्रिया में। इसके बाद हम आपको बता दें कि जब आप मतदान शाम को समाप्त करते हैं तो उस समय इस प्लास्टिक के कवर को हटाएंगे और इसके नीचे क्लोज बटन है, मतदान क्लोज करेंगे यहाँ क्लिक करके, और इसके बाद ये मशीन जो है पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई मतदान इसमें नहीं होगा। उसके बाद आप मशीन को स्विच ऑफ करेंगे और डिस्कनेक्ट करेंगे और अपने सूटकेस में इसे रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो बटन आपको यहाँ और दिख रही है, टोटल और वैलेट बटन। तो हमने आपको बताया, अभी थोड़ा जूम करते हैं हम इसे। यहाँ पर देखिए, टोटल का सीधा सा मतलब यह है कि हर दो घंटे पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि हर दो घंटे में कितने वोट्स पड़े हैं। तो टोटल देखने के लिए आप टोटल बटन को कभी भी पूरी चुनाव प्रक्रिया में किसी भी टाइम टोटल क्लिक करेंगे तो आपकी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी और ना ही मशीन में कोई डिफेक्ट होगा। आप जब चाहें तब टोटल बटन क्लिक करके टोटल संख्या देख सकते हैं कि आपके मशीन में कितने वोट पोल हुए हैं। क्लियर। दूसरा जो बटन है वैलेट का, जब तक इस वैलेट बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक मतदाता आपके जो वैलेट यूनिट है उसमें मतदान नहीं कर पाएगा। यहाँ से आप कमांड देते हैं वैलेट को क्लिक करके, और कमांड जब आप दे देंगे तब मतदाता जो है यहाँ वैलेट यूनिट में मतदान कर पाएगा। यही यहाँ पे वोट कास्ट हो जाएगा तो फिर ये ऊपर जो वीजी लैंप है ये रेड कलर में जो जल रहा होता है ये बुझ जाता है। तो ये प्रक्रिया हुई वोटिंग की। अब दोस्तों इस पार्ट में आपको ज़्यादा चीज़ें देखनी है, समझनी है मॉक पोल के लिए, क्योंकि मॉक पोल जो कराएंगे तो जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आपके मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इस पार्ट में आपको क्या करना है चलिए हम इसे भी बता देते हैं। अब तक हमने जो प्रक्रिया बताई वो आप वोटिंग के दौरान करेंगे, लेकिन वोटिंग के पूर्व जो आपको मॉक पोल कराना है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का कवर था ये हमने इसे ओपन कर लिया है। अब इसके नीचे चार बटन्स आपको नए दिख रहे हैं। अब इसे हम जूम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसमें चार बटन आपको दिख रहे हैं, क्लोज बटन है, रिजल्ट बटन है, क्लियर है और प्रिंट है। तो इस तरह से प्रिंट बटन को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। प्रिंट की कोई उपयोगिता आपके पूरे चुनाव प्रक्रिया में आपके लिए नहीं है और न किसी अन्य के लिए है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। इसी को ट्रेनिंग में आपको बताया होगा CRC, इसका क्रम होता है इस स्विच को यूज करने का। क्लोज करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे और फिर इस मशीन को क्लियर करेंगे, यानी जो वोटिंग है इसमें उसको डिलीट करेंगे। ये किसके लिए है? मॉक पोल के लिए है। वास्तविक मतदान के समय इस बटन्स का यूज आपको नहीं करना है, उस समय केवल क्लोज बटन रहेगा जो आप मतदान की समाप्ति पर यूज करेंगे। फिलहाल बीच में ये सारी चीज़ें आपको सील करनी होगी, ये सिर्फ मॉक पोल के लिए है जो हम आपको बता रहे हैं। इस समय दोस्तों आपको जब भी यूज करना होगा तो मॉक पोल कराना है, तो मॉक पोल की शर्त है कि कम से कम 50 वोट आपको डालने ही डालने हैं, और ऐसे में एक शर्त और है साथ में कि हर हाल में हर प्रत्याशी को एक वोट अवश्य डालना चाहिए। तो सदस्यों की उपस्थिति में आपको ये वोटिंग करानी है। 15 मिनट आपको वेट करना है उनके लिए, 90 मिनट पूर्व आपको ये प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, और इसके अलावा यदि कोई सदस्य 15 मिनट के अंदर नहीं आता है तो आपको ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है, किसी का इंतजार नहीं करना है, जिससे कि वोट प्रारंभ होने के टाइमिंग में कोई डिस्टरबेंस हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लोज बटन किस लिए है, जब आप हर प्रत्याशी के लिए वोट डलवाते हैं और 50 या इससे अधिक मॉक पोल करा देते हैं तो जो वोट इसमें है इस वोट को आप क्लोज करते हैं कि हमने क्लोज कर दिया, मतदान क्लोज हो गया। अब सदस्यों को दिखाने के लिए आप यहां इस मशीन में रिजल्ट का क्लिक करते हैं बटन, तो रिजल्ट क्लिक करने पर डिस्प्ले सेक्शन में जितने भी वोट पड़े होंगे, तो हर प्रत्याशी को हमने जैसा कि बताया कि एक कम से कम वोट डालना ही है, तो जिस प्रत्याशी को जितने वोट डाले जाएंगे वो आपको नोट भी करना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए ऊपर कैंडिडेट दिखा रहा है, कैंडिडेट 3 यानी तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट है, वोट्स 2 यहाँ दिखा रहा है, यानी कि 2 वोट कैंडिडेट नंबर 3 को दिया गया है। तो इस तरह से आपके मशीन में जितने कैंडिडेट हैं
उतने कैंडिडेट का यहाँ कैंडिडेट वन, कैंडिडेट टू, कैंडिडेट थ्री करके देगा और उनके नीचे कितने वोट्स उनको डाले गए हैं ये देगा और उसके बाद लास्ट में टोटल देगा और वो आप एजेंट्स को दिखा देंगे कि भाई देखिए आपने जितना वोट डाला था वो बिल्कुल डिस्प्ले मशीन में उतने ही वोट दिखा रहे हैं, हमारा मशीन बिल्कुल सही है। अब जो वोट आपने डाले हैं दोस्तों रिजल्ट से तो आपने देख लिया कि इतने मत पड़े हैं, अब उसको क्लियर करने के लिए, अब वास्तविक मतदान के लिए आपको मशीन को अपने तैयार करना है तो उसके लिए आप क्लियर का यूज करते हैं। क्लियर का मतलब जितने भी इसमें वोट्स पड़े हैं क्लियर बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मॉक पोल में आपने वोट डलवाए हैं 50 या इससे अधिक वो सभी डिलीट होकर ये मशीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगी और वोटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस क्रम में जब आप मॉक पोल करेंगे तो उस समय वोटिंग कराने के बाद क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद रिजल्ट दिखाएंगे एजेंटों को और रिजल्ट दिखाने के बाद मशीन को फिर क्लियर करेंगे, अपने वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे, इसमें जो भी वोट्स हैं वो पूरे डिलीट हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे करनी है। अब इसके बाद दोस्तों यहीं पे सीलिंग की प्रक्रिया होगी, ये जो पहला पैड है ये आके इसको कवर करता है और यहाँ पे एक सील लगेगा, यहाँ पे आप स्पेशल टैग एक मिलता है कागज़ का, वो यहाँ पे लगा के इसको सील करेंगे। उसके बाद जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका ब्लू कलर में, वो यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक कवर करता है, यहाँ तक कवर करेगा और ये देख रहे हैं यहाँ पे छिद्र दिख रहा है, यहाँ पे इसको सील कर देंगे। और जैसा कि इसके पूर्व स्थिति में हमने दिखाया था यहाँ पे जब आप सील कर देंगे तो ये मतदान के लिए मशीन आपकी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और प्लास्टिक के कवर के नीचे आपको सिर्फ एक विकल्प मिलेगा क्लोज बटन का, ये भाग पूरी तरह से ढक जाएगा। सीलिंग की प्रक्रिया एक स्पेशल वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सीलिंग की प्रक्रिया करनी है, इसके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करें, हम निश्चित रूप से इस वीडियो को देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में लगभग सारे बटन्स को हमने क्लियर कर लिए हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। तो आज के इस वीडियो के संदर्भ में अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।